आज हम बनाएंगे एकदम रसीला रस भरा सूजी के गुलाब जामुन। अगर आप भी सूजी के गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो मेरी इन सारी बातों का ध्यान रखिए जो मैंने इस वीडियो में बताया है। ये गुलाब जामुन ना ही अंदर से हार्ड पड़ेंगे और ना ही ऊपर से सिकुड़ेंगे। सिर्फ तीन चीजों से बनाकर तैयार करेंगे हम ये रसीला गुलाब जामुन। तो वीडियो को बिना स्किप करें स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी फॉलो करें। एक बार में ही आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लिया है, इसी से मैंने मेजरमेंट किया है। दो कटोरी चीनी डाला है, दो कटोरी पानी डाला है, उसी कटोरी से बराबर डालिए। इसमें डाले तीन हरी इलायची फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 5 से 7 मिनट तक इसे उबलने दें। 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे आपकी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। गुलाब जामुन के लिए चाशनी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसकी चाशनी तार वाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी तार वाली होगी तो गुलाब जामुन चाशनी ऑब्जर्व नहीं करेगा, और अगर आपकी चाशनी पतली हो जाएगी तो आप जब गुलाब जामुन डालेंगे तो गुलाब जामुन की ऊपर की लेयर उसमें निकल जाएगी। चाशनी बिल्कुल ऐसी हो कि आप दोनों हाथ से टच करें तो तार इसमें ना आए, ना ही ये तेल की तरह लगे, बस हल्का चिपचिपा सा लगे, तो समझिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब गैस बंद कर देते हैं और गुलाब जामुन का हम डो बनाकर तैयार करते हैं। गुलाब जामुन का डो बनाने के लिए हम उसी कटोरी से डालेंगे 2 कटोरी दूध, और दूध में जब उबाल आ जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बारीक सूजी। बिल्कुल बारीक सूजी यूज करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपको बारीक सूजी ना मिले, मोटी सूजी मिले, तो आप उसे मिक्सी में चला लें और उसका पाउडर बना लें। बिल्कुल इसी तरह सूजी आपको इसमें डालना है। लो फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए मिक्स करना है। इसमें जो गुठलियां और लम्स पड़ रही है इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है। फिर जब सूजी सारा दूध ऑब्जर्व कर ले तो गैस का फ्लेम बंद कर दें। इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, इसे हमें चलाते हुए इसे मिक्स करना है। फिर हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम हाथ की मदद से इसे मसल मसल कर इसका एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार करना है, और इसे हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ऐसे हाथ की मदद से मसलना है। अगर आपको लगे ये ज़्यादा चिपचिपा है तो थोड़ा हाथ पे घी या ऑयल लगा सकते हैं। आपका डो जितना स्मूथ रहेगा गुलाब जामुन इतने ही परफेक्ट बनेंगे। ना ही गुलाब जामुन में क्रैक आएंगे और ना ही अंदर से गुठलियाँ बनेंगी। 15 मिनट मसलने के बाद मैं इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना रही हूँ। मैं बिगनर्स के लिए एक बात कहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो गुलाब जामुन के जो शेप है आप थोड़ा चिपटे शेप में दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो अंदर तक सिकते हैं और चाशनी भी अंदर तक ऑब्जर्व करते हैं। मैंने भी जब गुलाब जामुन फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने इसे चिपटे शेप में, जैसे पेड़े के शेप में बनाया था, जिसकी वजह से गुलाब जामुन अंदर तक चाशनी ऑब्जर्व करते हैं। तो बिना किसी क्रैक के सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे गुलाब जामुन भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने एक पैन में ऑयल चढ़ाया है, ऑयल भी अच्छे से प्रॉपर हीट है। अब इसमें हम गुलाब जामुन डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर इसे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करें। जब आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो गुलाब जामुन अंदर तक पकेंगे नहीं और चाशनी अंदर ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो हमें हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, कंटिन्यू इसे 9 से 10 मिनट तक चलाते रहना है। और 9 से 10 मिनट में हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन में कितना अच्छा सा कलर आया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेंगे और इसका सारा ऑयल ऐसे एक दो बार ऐसे टैप करेंगे, जिसकी वजह से इसका सारा ऑयल नीचे निकल जाए। फिर हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी बिल्कुल आपकी हल्की गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं हो। अगर आपकी चाशनी ज़्यादा गर्म होगी तो गुलाब जामुन जाते साथ ही सिकुड़ जाएंगे। गुलाब जामुन के जाते ही चाशनी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी। तो हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं इसे ऐसे रखे हुए, और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन ने सारी चाशनी ऑब्जर्व कर ली है और एकदम परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार है। मेरे बच्चों ने तो 2 से 3 गुलाब जामुन इसमें से खा भी लिए। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि कंट्रोल ही नहीं होता है। आप भी इसे ट्राई करिए, मुझे पूरा यकीन है बनाने में जितना टाइम लगेगा चुटकियों में ये चट हो जाएगा। इतना रसीला रस भरा गुलाब जामुन किसे नहीं पसंद, सबको पसंद आता है ये। आप भी घर में बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। और सबसे मेन बात, कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है और बाहर से जितना ही टेस्टी दिख रहा है अंदर से उतना ही रसीला रस भरा है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, मुझे पूरा यकीन है आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। सूजी से बना है तो ये टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि ये हलवे जैसे लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे हलवे को चाशनी में डुबा के खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। गुलाब जामुन वाला ही टेस्ट आएगा। तो ये गुलाब जामुन बनाने की बात मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।